तो बच्चों आज से शुरू करते हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स का और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। थ्योरी जो 80 मार्क्स का होगा, उसमें दो पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 50 मार्क्स का और पार्ट बी 30 मार्क्स का होगा। पार्ट ए जो 50 मार्क्स का होगा, उसमें हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है, और पार्ट बी 30 मार्क्स के लिए 4 चैप्टर पढ़ना, नहीं टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। पार्ट ए में जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये 3 चैप्टर से हम लोग का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये 3 चैप्टर में जो पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। यही जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग को पढ़ना है ना, यही आगे चल के जो मैनेजमेंट का जो 5 फंक्शन होता है, यही आगे चल के चैप्टर बन जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर बनेगा हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे और डिटेल से पूरा चैप्टर ही पढ़ना आगे, है ना। हम लोग का जो पार्ट ए में जो 5 चैप्टर पढ़ना है, वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही मेन पढ़ना। तो चलिए, ये पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में ये 8 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर, और कंपेरिजन बिटवीन टेलर एंड फेवल, यानी टेलर और फेवल जो अपना सिद्धांत दिया था दोनों का कंपेरिजन। मतलब इसमें हम लोग को टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर जो है हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें पढ़ना मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 5 टॉपिक इसमें पढ़ना है। और ये तीनों चैप्टर मिला करके हम लोग का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे। उसके बाद हम लोग का चौथा चैप्टर पढ़ना है प्लानिंग, और 5वां चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग। और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये 2 चैप्टर से हम लोग का आएगा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो प्लानिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे, प्लानिंग में मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, प्लान और टाइप्स ऑफ प्लान, ये 7 टॉपिक पढ़ना है प्लानिंग में। उसके बाद जो 5वां चैप्टर हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर हम लोग पढ़ना है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, 7 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इससे हम लोग का आएगा टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन।
और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, मतलब चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग और चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, ये तीन चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा इसी यूनिट से यानी कि इसी तीन चैप्टर से आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग, उसमें हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये 6 टॉपिक हम लोग को स्टाफिंग के अंदर पढ़ना है, डायरेक्टिंग के अंदर मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, यानी 7 टॉपिक इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है डायरेक्टिंग के अंदर। उसके बाद है ना कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के अंदर पढ़ना हम लोग को मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस, यानी 5 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। तो इस तरह से पार्ट ए में जो हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है, और टोटल 8 चैप्टर से हम लोग का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग ये पार्ट बी जो 30 मार्क्स का है, वो उसमें चैप्टर नंबर 9th और चैप्टर नंबर 10th, चैप्टर नंबर 9th और चैप्टर नंबर 10th, चैप्टर नंबर 9th जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 10th फाइनेंशियल मार्केट्स, ये दोनों चैप्टर मिलाकर के 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 9 में जो हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर पढ़ना है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेना होता है, ये 7 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 10 है ना फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये 4 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। और ये चैप्टर नंबर 9th और चैप्टर नंबर 10th, इससे हम लोग को आएगा टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11th और 12th, चैप्टर नंबर 11 था हम लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट, और चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से जो चैप्टर नंबर 11 था, उसमें हम लोग को जो पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 11 था मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें पढ़ना इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग मार्केटिंग, व्हाट कैन बी मार्केटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग और द मार्केटिंग मिक्स, और इस तरह से 8 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। और लास्ट जो चैप्टर नंबर 12 है ना कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, उसके अंदर पढ़ना हम लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल एजेंस
एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन, रोल ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनपीओज। इस तरह से 6 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। इस तरह से टोटल 12 चैप्टर जो हम लोग का है बिजनेस स्टडी में, तो टोटल 12 चैप्टर से पार्ट ए में 8 चैप्टर और पार्ट बी में 4 चैप्टर। पार्ट ए 50 मार्क्स का और पार्ट बी 30 मार्क्स का, यानी 80 मार्क्स का जो थियोरी आएगा इस तरह से है। और इसमें जो प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स का, उस प्रोजेक्ट में वाइवा होगा और एक फाइल बनाना होगा। इस तरह से 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। तो यही है हम लोग का बिजनेस स्टडी क्लास 12 का सिलेबस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।